हेलो स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म चैप्टर आई कंप्लीटेड इन माय लास्ट लेक्चर, बट कुछ रिक्वेस्ट बच्चों की, उसके बेसिस पे आई एम गिविंग यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साइड बाय साइड. आप भी नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कितने मार्क्स में वो आ सकते हैं, सो दैट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स इट बिकम्स इजियर फॉर यू कि आप उसको रिवाइज कर सके. देखिए, फेडरलिज्म फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ, दिस इज डेफिनेशन है ये, और ये डेफिनेशन आपको डिफाइन मीन्स या डिफरेंस ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट इट माइट कम इन 1 or 2 marks, मीन्स BSA की शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, ये दैट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इट कैन कम. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, और फीचर्स में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये सेपरेट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी, सेपरेट क्वेश्चन में भी, दैट द पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 5 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये 4-5 marks में आ सकता है. इट इज रेफर्ड कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करिएगा, पर समझते हुए, ये नहीं कि आपने रट लिया बट समझते हुए. देखिए, ये टेक्निकल चैप्टर है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ दिस इज टेक्निकल चैप्टर, तो इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म तो आपने याद कर लिए, पर जैसे मैंने आपको बताया अलग से भी, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ कोर्ट्स इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी विद स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फिर 7th क्वेश्चन किस फॉर्म में आपको आ सकता है, दैट मेंशन द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ये आपको. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द टू सिस्टम्स, टू रूट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, और ये टू रूट्स में प्लीज स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू गिव एग्जाम्पल्स, ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स जब भी ये दो रूट्स आएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आप याद रखिएगा, और जब भी एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, इट विल रियली एनहैंस. आपको लगेगा कि मैम ये मतलब एग्जाम्पल्स नहीं देगी तो मार्क्स कटेंगे, सो कॉल्ड जैसे आप लोगों का क्वेश्चन होता है, मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन आपकी कोई गलती होगी वो ओवरलुक हो जाती है इन दैट केस. देन व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, देखिए दो चीजें प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें आप पावर डिवीजन के बारे में लिखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर अलग से रेजरी पावर, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट भी पूछी जा सकती है, और इसमें आप ध्यान रखिएगा ये 3 marks में है, ये इंपॉर्टेंट, एंड इट इज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दिस पैराग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, ये आप देखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 के बारे में भी पूछ सकते हैं, एक लाइन में आपको मैं बोल रही हूँ वो आप नोट कर सकते हैं, दैट आर्टिकल 370 वॉज रिलेटेड टू द स्पेशल पावर्स गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, बट इन 2019 दिस आर्टिकल वॉज डिलीटेड एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर अ स्टेट, इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ये पैराग्राफ जो मैंने हाईलाइट क्वेश्चन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. नाउ हाउ यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये, हाउ यूनियन टेरिटरीज दे आर एडमिनिस्टर्ड, इट कैन कम इन शॉर्ट क्वेश्चन, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज याद रखिएगा. अगेन दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
तो क्या रोल है, हु इज देयर टू डिसाइड द डिस्प्यूट, दैट इज द सेंट्रल जुडिशरी, उसका रोल इंपॉर्टेंट आ जाता है. नाउ नेक्स्ट इज मैप, इंपॉर्टेंट नहीं है ये. अब नेक्स्ट इज दैट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. देखिए पूरा आंसर डिटेल में तो नहीं आपको, अगर इसका आपको दैट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड और हाउ यू कैन से दैट इंडिया follows, India practices the federal form of government, explain any one point. इसमें आप तीनों पॉइंट्स आप लिखेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एंड लैंग्वेज पॉलिसी. ये देखिए ये लिंग्विस्टिक स्टेट, और जो मैंने हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू. मैंने सोच समझ के ही आपको हाईलाइट पोर्शन किया है, और इट इज मोर देन इनफ फॉर यू. सो प्लीज डू अकॉर्डिंगली ओनली. ये आपको मैं इधर मार्क कर रही हूं मैं, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स दैट इट इज 5 मार्क क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स. नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी आप देखिए, सेकेंड टेस्ट जो फेडरेशन का था वो लैंग्वेज पॉलिसी, जैसे मैंने आपको समझाया था ये. एंड 21, हाउ मेनी, ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है ये, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर, दे बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21. सो प्लीज स्टूडेंट्स, देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर इंक्लूडिंग हिंदी. शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी आई एम टेलिंग. आप कभी ये मत लिख दीजिएगा 21, इसमें बिसाइड्स लिखा हुआ है इसीलिए. तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर इंक्लूडिंग हिंदी. कई बार स्टूडेंट्स को ये आती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मैम ये मतलब हिंदी के का स्टेटस क्या है. हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट इन ऑल स्टेट्स. सो प्लीज माइंड इट, हिंदी इज नॉट ऑफिशियल इन ऑल स्टेट्स. नाउ सेंट्रल स्टेट्स रिलेशंस. सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है, इट इज वन वे इन वेयर फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है. एंड इन दोज डेज द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कुड ऑफन मिसयूज. ये देखिए कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये 1 मार्क में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. ये कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुआ था, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये स्टार्ट हुई थी 1990s में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आ सकता है. बट ये पूरा क्वेश्चन, ये देखिए ये 1 मार्क में अलग से आ सकता है. ये कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन, डिफाइन कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1 मार्क में आ सकता है. ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको. देन आई टोल्ड यू दैट आई विल एक्सप्लेन. सी वैसे कार्टून में इतना डिटेल नहीं आती, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आती, पर मैंने आपको जैसे बताया था, ऑल दिस कार्टून रेफर्स टू प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड, जो उनके साथ खड़े हैं वो उस समय के होम मिनिस्टर हैं मिस्टर एसबी चौहान. और ये सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं एट दैट टाइम, चीफ मिनिस्टर्स हैं. इस कार्टून की इंटरप्रिटेशन क्या है, इस कार्टून की इंटरप्रिटेशन ये है दैट दिस कार्टून इज डिपिक्टिंग द पावरफुल सेंटर विद पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एंड द कंडीशन ऑफ द स्टेट्स एंड देयर चीफ मिनिस्टर इज वेरी पैथेटिक. अब नेक्स्ट कार्टून पे आते हैं. ये कार्टून कोएलिशन गवर्नमेंट की बड़ी दुखदाई सिचुएशन बता रहा है जिसमें कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 डेज के लिए हुई, 13 मंथ्स के लिए हुई एंड आफ्टर दैट 5 ईयर्स के लिए हुई. और ये उसकी दुखदाई सिचुएशन दैट इट वॉज ही इज एक्चुअली सिटिंग, बट राजा तो बन गए वो, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये सारे ये हैं, जैसे वो दिवाली पे वो छोड़ते हैं ना बम, कभी कोई कुछ बोल देता था, कभी कोई बम फोड़ देता था. एंड वेरी पैरल्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट, दुखदाई सिचुएशन कोएलिशन गवर्नमेंट को रन करने की. एंड नाउ आई एम कमिंग टू दिस लास्ट टॉपिक दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. ये बॉक्स, ये वाले इंफॉर्मेशन आपको समझाने के लिए, नथिंग रिलेटेड टू दैट. डिसेंट्रलाइजेशन देखिए, पहले तो ये व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, 1 मार्क और वेरी शॉर्ट में, पीएसए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये. देन आफ्टर दैट
अब आप देखिए ये फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको आपका ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फीचर्स जो है एनी 5 फीचर्स यू कैन लर्न और एनी 6 फीचर्स आपको लर्न करने कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज ये देखिए अबाउट, ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में है। मैंने अपनी मेरी लास्ट वीडियो में प्लीज आप देखिएगा, मैंने टेबुलर फॉर्म में समझाया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज नोन एज पंचायती राज। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट वॉट इज पंचायती राज, आप लोगों ने मिडिल क्लासेस में भी पढ़ा है, मेरी आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैंने टेबुलर फॉर्म में बताया है इसमें पंचायती राज, ये एक बात है। अनदर पैराग्राफ इज शोइंग अबाउट द लोकल, ये पंचायत समिति, ये सारा मैंने एक में क्लब कर दिया है, और ये है अर्बन के लिए, दिस इज रिलेटेड टू, ये देखिए ये मैं आपको, ये पंचायती राज इधर साइड में आपको हेडिंग लिख देती हूँ मैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है बट इवन देन आई एम राइटिंग इट। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है दैट इज यहाँ पे ये आपके टाउन्स एंड बिग सिटीज, ये गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट रन्स इन टाउन्स एंड बिग सिटीज, इट इज रिलेटेड टू दैट म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं, लास्ट पैराग्राफ को कभी ऐसे छोड़ा मत करिए, डू रीड लास्ट पैराग्राफ, मैंने हाईलाइट किया है जो आपने पढ़ना है, पढ़िए जरूर लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में से सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मेनी टाइम्स इट सो हैपेंस कि सीबीएसई में लास्ट पैरा से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अच्छा सा, और कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू मे कॉन्टैक्ट, कमेंट कर दीजिए, कॉन्टैक्ट कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लीजिए प्लीज एनी वे, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी पुटिंग मोर वीडियोज फॉर रिविजन ऑल्सो, और कोर्स को भी आगे ले जाने के लिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ I am